एक तरफ कोरोना कहर बनकर लोगों का जीवन लील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सोलन में आए तेज तूफान से लोगों को आर्थिक रूप से भी काफी आहत पहुंची है। कोरोना के चलते जहां लोगों की आय पहले ही सीमित हो चुकी थी, घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, ऐसे संकट के समय में आए तूफान ने कई लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कंडाघाट के समीप गांवों में भी यही स्थिति देखने को मिली। कई घरों की छतें उड़ गई हैं, कई घरों को भारी क्षति पहुंची है। सोलन के विधायक ने उन घरों का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि तेज तूफान और बारिश से खास तौर पर सोलन के आसपास लगते गांवों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सियारी बंगलों के साथ लगते गांवों का भी दौरा किया। यहां भी गांववासियों की घर की छतें काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। माना जा रहा है कि करीब 15 लाख रुपए का नुकसान तूफान की वजह से आंका गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है और विधायक निधि से जितनी संभव हो पाएगी उतनी वे मदद करेंगे। बहुत ही तेज बारिश और तूफान के कारण हमारे इस क्षेत्र में कुछ एक घरों की छतें उड़ी हैं और ऐसी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे खासकर हमारे गरीब किसान वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा ही एक केस हमारे ढियावला गांव में सायरी बंगलों के पास है, एयरपोर्ट के पास है थोड़ा आगे। इस क्षेत्र में श्री बेली राम जी का घर उड़ा और वो बंद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको ऐसा अंदाज़ा लगा है कि कोई 10-15 लाख का नुकसान उनका हो गया है। गरीब घर के लोग हैं, उनके एक उनके परिवार का सदस्य उन्हीं का एक बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो मैंने डीसी साहब से स्वयं बात की है कि ये जो क्षति हुई है काफ़ी ऐसे दिनों में, जबकि वैसे ही फसलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है और कोरोना की वजह से लोगों की वैसे दद्दाली हुई है, तो इस प्रकार का जो एक प्राकृतिक कहर हुआ है इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैंने डीसी साहब से प्रार्थना की है कि उन्हें सरकार से मदद मिले और मैं भी प्रयास करूंगा कि अपने निधि से, अपने डिस्क्रेशन ग्रांट से थोड़ा बहुत जो भी मदद उनकी हो सके की जाएगी। और भी जो आसपास के लोगों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि कम से कम जो पैसे नहीं देते कम अपना श्रम देकर उन्होंने काफ़ी लोगों ने आकर इनका जो छत उड़ी थी उसको इकट्ठा किया है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, जो लोगों में अभी भी एक दूसरे काम करने की भावना है।